नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। एक शेर है जिसे मैं बिगाड़ के पढ़ रहा हूँ। वह आदमी सधा है लेकिन सावधान है, बस्ते में उसका नया कोई संविधान है। जी हाँ, हम आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो राजनीति में अजात शत्रु कहा जाता है। उसे अपने तो पसंद करते ही हैं, विपक्ष में भी पसंद करते हैं। मज़ेदार बात क्या है, उसका कोई शत्रु नहीं है। आवाज़ का जादूगर है, वह कुछ भी बन सकता था, वो फिल्मी कलाकार बन सकता था। ये अलग बात है कि अवसर नहीं मिला या वो अन्य नेताओं की तरह अवसर बनाए नहीं, वरना इस लोकतंत्र में सरकार के बहुत ऊंचे ओहदे पर होते। उनकी आवाज़ बड़ी जादूगरी वाली आवाज़ है, मखमली है, बहुत तेज है। लोग कहते हैं कि वो फिल्मी कलाकार भी बन सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतीश सिंह की। सतीश सिंह शायद आप नहीं जानते हो, जिन्हें राजनीति की दुनिया में धर्मजीत सिंह कहा जाता है। सतीश जी उर्फ धर्मजीत सिंह जी, सीजीवाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप फिल्मी कलाकार भी तो बन सकते थे, ऐसे मेरे को जानकारी मिली है कि राजनीति में आप इत्तेफाकन आ गए क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ता था तो मुझे कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य तय कर लिया था और मैं राजनीति में ही सक्रिय हुआ बचपन से और अपनी युवावस्था से, और उसी में धीरे 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 संघर्ष करते हुए यहाँ तक के पहुँच पाया। इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि धर्मजीत सिंह का जन्म पंडरिया में हुआ है। पिता कल्पना सिंह, माँ किशोरी सिंह, बड़ा संभ्रांत परिवार, किसान परिवार। किसान परिवार का तीसरे नंबर का भाई, चार भाई होते हैं धर्मजीत सिंह जी, तीसरे नंबर का भाई। राजनीति में आना एक इत्तेफाक था या सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? देखिए, हम लोग किसान परिवार से संबंध रखते हैं। मेरे दादा स्वर्गीय पृथ्वीपाल सिंह, जो पंडरिया में एक बहुत बड़ा नाम था, हमारे घर में ही विनोबा भावे आते थे। मैं बचपन में जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो विद्याचरण शुक्ल जी को मैंने उपमंत्री गृह के रूप में भी देखा था, केंद्रीय उपमंत्री गृह जी, शायद वो पहली बार बने थे। युवावस्था बिल्कुल, बचपन से ही राजनीतिज्ञों के आने जाने को मैं अपने घर में देखते रहता था। मुझे याद है बचपन में डॉक्टर सी बी सिंह साहब को भी मैं दूर से देखा था, श्री अमर सिंह सहगल जी को जो यहाँ के सांसद रहे हैं बहुत पहले, उनको भी देखा हूँ। तो मतलब बड़े नेताओं को देखने का अवसर तो मिलते रहा और मेरा परिवार भी राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार था। मेरे पिता 10 साल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे पंडरिया में, तो बचपन से ही राजनीति में रुचि तो थी। और एक युवा कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते कई दौर से गुजर करके फिर विधायक के पद पर चुनाव लड़ा। विद्याचरण शुक्ल का राजनीति पर आपका बहुत, विद्याचरण शुक्ल जी का आप पर बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या उनको आप राजनीतिक गुरु मानते हैं या राजेंद्र शुक्ला के साथ प्रभाव के कारण आप कांग्रेस आए हैं? नहीं, विद्याचरण शुक्ल जी और श्यामाचरण शुक्ल जी से मेरी बहुत एकदम परिवार जैसे संबंध थे। विद्याचरण शुक्ल बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े कदकाठी के नेता थे। श्यामाचरण जी भी बहुत ही बड़े कदकाठी के नेता थे। और मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं राजनीति की शुरुआत किया तब इन दोनों ही बड़े नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया और उनके आशीर्वाद से ही मैं चुनाव लड़ना शुरू किया और आगे बढ़ाने का प्रयास। क्या आपको उम्मीद थी कि एक ब्लॉक मंडी ब्लॉक के अध्यक्ष बने आप? शायद 88-89 की बात होगी या आगे पीछे की बात होगी। क्या आपको लगता है कि वो धर्मजीत सिंह आज लोकतंत्र के बहुत सबसे बड़े सदन में बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद थी कि इस ये यात्रा यहाँ तक पहुँच जाएगी? नहीं, मैं शुरू से ये समझ रहा था कि मुझे आगे जाना है और उसके लिए मैं प्रयास करता था। जो जो अवसर मिला, जहाँ जहाँ पर भी अवसर मिला, मैंने काम करने का प्रयास किया। और मैं चाहे जहाँ पर भी पहुँच गया हूँ, मैं अपने अतीत को कभी नहीं भूलता
और अतीत को याद करते रहता हूँ, अपने संघर्ष के दिनों को याद करता हूँ, अपनी तकलीफ़ों को याद करता हूँ। इसीलिए जब मैं अपनी पुरानी बातों को याद करता हूँ तो पद में आने के बाद किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, इस बात को अच्छे तरह से मैं समझ पाता हूँ। राजनीति में बड़ा माया जाल है, बड़ा एक दूसरे की लकीर काटने की आदत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ धर्मजीत सिंह की ये आदत नहीं है, फिर इसमें फिट कैसे हो गए राजनीति में आप? देखिए, मैं शुरू से बोला हूँ कि मैं दिल के दिल की आवाज़ सुनते दिल हैं। की दिल का रिश्ता बना के रखता हूँ। अब मुझसे आप कोई कहे कि आपको मंत्री पद दे दिया जाएगा, जिनसे आपका बहुत अच्छा संबंध है, उसको आप धोखा दो, उसको आप उसके खिलाफ़ बोलो, ये मैं करता नहीं। मैं मंत्री बनूं नहीं बनूं, इन सब चीज़ों से मेरा मतलब नहीं। जिससे मेरा प्रेम है, मैं उसका प्रेम बना करके रखना चाहता पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़े, वो सन कौन सा था और कैसे एकाएक विधानसभा चुनाव में कूद गए? और कुछ इवेंट याद है, कुछ घटनाएं याद हैं कि पहली बार जब पंडरिया में आप चुनाव लड़ रहे थे? 1990 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा। स्वर्गीय श्री निरंजन प्रसाद के सरवानी, जो कि बहुत बड़े नेता थे, जो भाजपा से उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो चुनाव में पराजित हो गया था। लेकिन मैं जनता से संपर्क कभी नहीं तोड़ा। 1993 में मुझे विधानसभा की टिकट मिल भी गई, लेकिन मेरी टिकट देर रात को, जो 22 टिकटें बदली गई उसमें मेरी भी टिकट काट दी गई। फिर भी मैं हताश नहीं हुआ और 90 से लेकर के 98 तक के मैं लगातार जनता के संपर्क में रहा, उनके बीच में रहा, उनसे मिलते रहा, उनकी समस्या सुनते रहा। और मैं कुछ पद में तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपना आत्मी लगाव उनसे कायम रखा और उसी का प्रतिफल है कि 1998 में मैं बहुत प्रचंड वोटों से चुनाव डोरमी पंडरिया विधानसभा से जीत करके पहली बार विधायक बना। इसके बाद आपने लगातार पार्टियां भी बदली हैं। पार्टी बदलने की वजह क्या है? फिर भी आपकी लोकप्रियता कम नहीं है। पहली बार पार्टी आपने बताने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है 2000 में, उसके बाद आप देखने में आया कि चल के आप जोगी कांग्रेस में चले जाते हैं। मैं 1998 में विधायक बना, 2003 में कांग्रेस पार्टी से विधायक बना, 2008 में कांग्रेस पार्टी से विधायक बना, 2013 का चुनाव में हार गया था। मैं चुनाव जैसे ही हारा, उस वक्त के तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ इस रंजिश में कि मैं जोगी जी से मेरी अंतरंगता है, मुझे अपमानित करने का काम किया गया। डोरमी के विधानसभा क्षेत्र में दौरे के समय में मुझे बुलाया नहीं जाता था, मेरी फ़ोटो नहीं लगाई जाती थी और वो ऐसे लोग मुझे उपेक्षित कर रहे थे जो लोग खुद चुनाव हार के वहाँ गए थे दौरे में। तो वो चुनाव हार जाएं तो कोई बात नहीं, हम अगर एक चुनाव हार गए तो अपमानित करना शुरू किया तो मुझे ये पसंद नहीं था और मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन तक के जोगी कांग्रेस बना नहीं था। जी हाँ, मैं जोगी जी से मिलके हमने एक क्षेत्रीय दल का गठन किया, तो दल बदल इसको नहीं कहा जाता है, हमने नया दल बनाया, क्षेत्रीय दल बनाया। और कांग्रेस को बस जोड़ लिया उसमें। ये नामकरण अलग है, नाम तो बहुत से जगह में कांग्रेस का नाम जुड़ा है, मणि कांग्रेस है और दुनिया भर का कांग्रेस रहता है, लेकिन हम लोगों ने नया दल बनाया और नया दल बना के चुनाव लड़ा, 5 लोग जीत के आए, 14% 12% वोट भी पाए। तो ये दल बदल तो था नहीं। फिर उसके बाद मुझे श्री अमित जोगी जी ने निष्कासित कर दिया, तो मेरे समक्ष 3 ही रास्ते थे, या तो मैं कांग्रेस में जाऊं, या मैं जोगी कांग्रेस में ही रहूं, तो या भाजपा का फिर मैं चुनाव भारतीय करूं? जनता पार्टी में जाऊं। तो मैं कांग्रेस वाले लोगों की बात सुनता था, बोलते थे कि कांग्रेस से लोग गुर्राते हुए जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए आते हैं, और मैं गिड़गिड़ाना पसंद नहीं कर रहा था। मैं वहाँ जा करके चापलूसी और चमचागिरी करना पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर जाना उचित ही नहीं समझा। तो जहां से एक बार अपमानित हो जोगी चुके कांग्रेस में उन लोगों ने मुझे खुद निकाला, मैं तो छोड़ा नहीं था, तो वहाँ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अब मेरे सामने में एक ही विकल्प था कि मैं राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जाऊँ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मैंने आग्रह किया, उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक मुझे पार्टी में प्रवेश भी दिया, मुझे टिकट भी दी, मैं चुनाव भी लड़ा
और चुनाव जीत भी गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में काम करते हुए बहुत आत्मिक संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूँ। पूरा अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से, पूरा जीवन कांग्रेस को दिए और भारतीय जनता पार्टी में आए, दो अलग सिद्धांत के, दो अलग परंपरा की पार्टी हैं, क्या एडजस्ट होने में आपको कितनी तकलीफ हुई है भाजपा में? भाजपा में कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, भारत माता की एकता और अखंडता और रक्षा के लिए बात करने वाली पार्टी है। श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी जैसे बड़े नेता इस पार्टी में। मुस्लिम विरोधी भी पार्टी है ऐसा लोग कहते हैं। नहीं नहीं कहते भले हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो मैंने नहीं देखा कि कोई मुस्लिम विरोध का बात किए हों या कोई षड्यंत्र किए हों। ये परसेप्शन बना दिया गया है कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा। और अगर हिंदू होना सम्मान की बात नहीं है और खाली एक वर्ग की बात करना ही बहुत अच्छी बात मानी जाती है, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने का मुझे गर्व है, लेकिन दूसरे समाज के लोगों से भी उतना ही प्रेम है। उनको भी अपने धर्म पर, अपने कौम पर गर्व है। अपने धर्म पर सबको गर्व करना चाहिए और अपने धर्म के बताए रास्ते पर चलने का अधिकार सबको है। आपका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो रहा था, तब आपने जोगी के खिलाफ जाते हुए विद्या चरण शुक्ल के लिए बगावत कर दिया था कि मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। मैंने आपसे पहले ही बताया कि जिससे मेरी अंतरंगता है या जिस नेता के प्रति मेरे दिल में बहुत अगाध आस्था है, मैं मंत्री बनने के लिए उसका साथ नहीं छोड़ सकता, ना उसको गाली दे सकता। ये मैंने पहले भी कहा है। तो मैंने विद्या चरण जी का साथ दिया, परंतु मेरे हाथ में थोड़ी था कि मैं मुख्यमंत्री किसको बनवाऊं और किसको नहीं बनवाऊं। लेकिन मैं जिसको चाहता हूं उनके लिए तो प्रयास तो कर सकता था। और आश्चर्य की बात है कि फिर उसी व्यक्ति को, व्यक्ति के साथ आप पार्टी बनाते हैं, तो जोगी के साथ, जोगी कांग्रेस बनाते हैं। एक तरफ जब 2000 में विरोध कर रहे थे और आते आते 2016-17 में आप जोगी कांग्रेस बना लेते हैं, तो ये कुछ अटपटा सा नहीं लगा आपको? चाहे को अटपटा है, विद्या चरण शुक्ल जी का झीरम घाटी में वो शहीद हो गए थे, उसके बाद तो जो कि कांग्रेस बना ना। तो राजनीति में स्थाई दोस्त और स्थाई दुश्मन तो कोई होता नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार से निर्णय लिए जाते हैं। और हमने, जोगी जी भी बहुत विद्वान नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, और जोगी जी बहुत इंटेलिजेंट नेता थे, तो एक अच्छे आदमी के साथ दे करके हम लोगों ने एक पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा। और ये राजनीतिक निर्णय है, इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आपकी राजनीति हमेशा विपक्ष की रही है, सत्ता में शायद एक ही बार रहे हैं, ये दोबारा हो गई है, फिर भी आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। इस व्यक्तित्व का असर कहाँ से आपको मिलता है? कौन प्रभावित किया है आपको कि आपको अजात शत्रु राजनीति का लोग कहते हैं? देखिए, जोगी जी के शासनकाल में दिग्विजय सिंह जी के साथ भी मध्य प्रदेश में थे, मैं वहाँ पर जा कर के कभी लाइसेंस, परमिट, रेत, मुरुम, लोहा, सोना, चांदी, सप्लाई, इन सब कामों के लिए कभी मैं उनके पास गया भी नहीं। और मैं गया अपने क्षेत्र के विकास के लिए। जोगी जी जब थे तो मैंने कई सब स्टेशन बनवाए, कई एनी कट बनवाए, कई सड़कों का निर्माण कराया, कई पुल का निर्माण कराया। और अगर मैं जनता की आवाज़ लेकर के, जनता की समस्या लेकर के किसी भी सरकार के पास जाऊंगा, तो सरकार को भी ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि मैं अगर परमिट मांगने जाऊं, मैं अगर कोई एजेंसी लेने जाऊं, तो सरकार मत करे काम। लेकिन अगर मैं गरीब जनता को एक पुल चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, ये सब मैं मांग करता हूँ, तो उसको कोई भी सरकार है उसको सोचना ही पड़ता है। और ऐसा ही मैंने किया और अपने क्षेत्र में कई कार्यों को कराने में सफलता प्राप्त। प्रदेश के बैगा लोग आपको छत्तीस सिंह कहते हैं, छत्तीस सिंह। बैगाओं से इतना प्यार, आदिवासी समाज से इतना प्यार, ये बातें बाहर आती क्यों नहीं? ऐसी तो उम्मीद थी कि धर्मजीत सिंह शहर के विधायक बने, आप हमेशा ग्रामीण अंचल को ही प्राथमिकता दिए हैं, आदिवासियों के लिए संघर्ष किए हैं, तो आदिवासी समाज के प्रति आपका लगाव की वजह क्या थी? वजह तो कई भी हो सकती है, लेकिन अपना पूरा राजनीति उन्हीं को समर्पित किया है। देखिए, आदिवासी समाज अधिकांशतः वनांचल में रहते हैं। वनांचल में अलग अलग तरह की उनके खिलाफ
बहुत से षड्यंत्र होते रहते हैं। उन्हें जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा भी नहीं मिलती है, उन्हें ठीक से जो काम मिलना चाहिए वो काम भी नहीं मिलता है, इसलिए उनका जीवन स्तर हमारे और आपके जीवन स्तर से बहुत नीचे रहता है। कुपोषण के भी शिकार रहते हैं, शिक्षा का भी अभाव हो जाता है, स्वास्थ्य की भी सुविधा नहीं मिलती है। अभी तो कुछ दिनों पहले कांग्रेस की सरकार में सड़क बंद कर दिया गया, तो उनको आवागमन की भी सुविधा आपने लंबी चौड़ी लड़ाई मैंने हाई कोर्ट जा करके उसको खुलवाया था, लेकिन ये जिद्दी सरकार थी जो पिछले 5 वर्ष थी यहाँ, उन्होंने एक प्रशासनिक आदेश निकाल करके हाई कोर्ट के आदेश को धज्जी उड़ा करके वो रास्ता बंद कर दिया। मैं जब दौरे में जाता था तो बच्चियाँ बोलती थी हमारे लिए बस सुविधा नहीं है, सब बंद हो गया है। अब ये सोचना चाहिए थोड़ा सा सहृदयतापूर्वक कि एक बच्ची जो आदिवासी बच्ची है, आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर वो पढ़ने के लिए स्कूल आने के लिए उसको सुविधा ना हो और स्कूल कॉलेज वहाँ से 50 किलोमीटर दूर हो, तो क्या तकलीफ़ नहीं होना चाहिए लोगों को? मुझे तकलीफ़ होती है। मैं उनकी बात करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, उनके हक की लड़ाई लड़ता हूँ, और मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में वो कांग्रेस सरकार से आपको मैं बता रहा हूँ पूरी बात सुनिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार ने जानबूझ करके अचानक मार टाइगर रिजर्व के लोगों को नारकी जीवन जीने पर मजबूर किया, क्योंकि विधायक सतीश सिंह थे। अब मैं बोला, विधानसभा में भी बोला था कि आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि मैं वहाँ का विधायक हूँ, अगर आप इस प्रकार का अत्याचार करेंगे तो मैं कोई इससे चुनाव के परिणाम में अंतर आ जाएगा, आप बेनकाब होंगे और आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ, 9वीं विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई। अपने पुरानी पार्टी के खिलाफ आपने काम किया? खिलाफ काम किया, मैं अपनी पार्टी के पक्ष में काम किया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया, और पूरे आदिवासी लोग भाई बहन जो भी वहाँ रहते हैं उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह क्या हो सकती है? कांग्रेस पार्टी में मुझे अपमानित किया गया, मैंने पहले ही नहीं अपमानित कर, नाम बता सकते हैं आप? नहीं, मैं अब नाम क्या बताऊँ, वो सब बीता हुआ कल है, उसमें से सब हार भी गए हैं, कोई मतलब नहीं हारे हुए लोगों के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा है। भारतीय जनता पार्टी में आपके पुराने बहुत मित्र हैं, अजय चंद्राकर हो, रामविचार नेताम हो, अमर अग्रवाल हो, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, इन लोगों ने लगता है कि आपको भाजपा में खींच लिया है। देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, उनके संसदीय ज्ञान को तो हम लोग पहली बार जब बन के गए थे तब से उनसे सीख रहे हैं, देख रहे हैं। 1998 में पहली बार हम, धर्म कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, हम लोग सब पहली बार विधायक बने, नारायण चंदेल जी, तो नेचुरली जब पहला बेच जो रहता है जिसमें हम सब विधायक बने तो दोस्ती रहती है, और इनको तो बहुत अनुभव भी है मंत्री उन्त्री पद का, बाकी लोगों को तो जो दोस्ती है वो है, और उसमें कोई छिपाने की भी बात नहीं है और किसी से डरने की भी बात नहीं थी। आपका वैसे व्यक्तित्व बड़ा सौम्य है, आवाज़ बड़ी कड़कदार है, तो फिल्म में क्यों नहीं प्रयास किए आप? कई फोटो देखा है रणधीर कपूर के साथ, किसी और एक्टर के साथ। नहीं नहीं, अब सब हमारे बस की बात नहीं है, फिल्म विल्म नहीं, कोई वजह तो रही होगी। नहीं, कोई फिल्म विल्म में इन्फीरियरिटी फील हो रही थी क्या? हाँ, इन्फीरियरिटी फील कर रही थी। इन्फीरियरिटी फील करेंगे, पर जो इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं हो उसमें क्या बात करना, इंटरेस्ट इसी में है तो कर रहे हैं। आप प्रशासनिक अधिकारियों से भी बड़ी लड़ाई झगड़ा किए हैं, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूंगा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके व्यक्तित्व में लड़ाई झगड़ा है नहीं। नहीं, मुझे नाजायज बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से, जैसे मैं 2000 में अचानक मार अभ्यारण्य के आदिवासियों को रेस्ट हाउस में एक नए IPS अफसर ने बेरहमी से पीटा, सापो, मुझे अच्छा नहीं लगा। गरीब आदिवासियों जिनका कोई दोस्त नहीं है उनको एक अधिकारी अपने गुरूर में, गर्मी में मारपीट करे, ये डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। और फिर सरकार का पूरा फोकस आदिवासियों की रक्षा के ऊपर है, आदिवासियों को तरक्की देने के नाम पर है, उसको आप मारोगे पीटोगे तो आप
सोनमणि बोरा से भी आप उलझ गए थे? नहीं, उलझा नहीं था, वो एक साधारण सी बात थी। वो आम्र जिला बना के रखे थे, फिर बाद में वो सीताफल जिला बनाऊंगा बोले। मैं कहा आपका आम्र जिला ही पता नहीं है, तो अब सीताफल जिला ये नया नया काहे को सरकार के पैसे का अपव्यय कर रहे हैं। और मैं कहा इतना ही है तो मुझे दिखा दीजिए, पर दिखा भी नहीं पाए और फिर बात आई गई हो गई। प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री का जब शपथ ले रहे थे तो कुछ कपड़ों को लेकर कोई बातचीत हुई थी क्या कि शपथ जाते समय लेते समय उनके पास कपड़ा नहीं था केंद्रीय मंत्री? एक नहीं, ये नेता मामला कौन है? डॉक्टर रमन सिंह साहब का है, जो कि मेरे पारिवारिक भी हैं और मेरे बहुत अच्छे संबंध भी हैं और मैं उन्हें बहुत आदर करता हूँ। वो एक साधारण सी घटना थी जिसे मैंने कभी कभी बोला नहीं, वही एक बार बयान दे दिए थे, तब से ये नहीं तो बात आप भी अब दे सकते बार हैं, क्या बार मामला क्या लोग था पूछते हैं। जनता? कुछ नहीं था, बहुत छोटी सी बात थी। डॉक्टर रमन सिंह साहब सांसद बन के दिल्ली गए थे और वो दिल्ली गए थे तो उनके पास कुर्ता पैजामा नहीं रखे थे, सफारी वफारी सब बाकी कपड़े तो रख के गए थे। लेकिन उनको रात को खबर आई कि भाई कल शपथ लेना है, तो रात को इतने टाइम में खबर आई कि उस समय दिल्ली में सारी दुकानें बंद थी। दूसरे दिन शपथ उस टाइम में लेना था जब दिल्ली में दुकानें खुल नहीं रही थी। तो मैं गया तो बताया, तो मैं बोला मेरे पास नया कुर्ता पैजामा है, आप देख लीजिए, मैं मद्रास से लेकर के आया था और न्यू ब्रांड था, उसको मैं पहना भी नहीं था। तो बिल्कुल वो कपड़ा दिया, उनको फिट हो गया, शपथ ले लिए। मुझे अच्छा लगा, मेरा भाई मेरे केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री का शपथ लिए और उसमें उनके ड्रेस के लिए थोड़ा सा एक अवसर मुझे भी मिल गया, तो मैं तो गौरवान्वित महसूस किया अपने आप को। और वो भी बड़े आदमी हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। जब उनका 5,000 दिन पूरा हुआ मुख्यमंत्री के रूप में, तब उन्होंने खुद ही बयान दिया। मैं तो कभी किसी से इस बात की चर्चा भी नहीं किया था, करना उचित भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ही कह दिया तब सारे लोग जाने। एक सवाल जहन में आपके मतदाताओं में और शहर के पूरे प्रदेश की जनता में हमेशा उत्सुकता रही कि धर्मजीत सिंह इस बार मंत्री जरूर बनेंगे, क्यों बार बार चूक हो जाती है, धर्मजीत सिंह मंत्री नहीं बन पाते? देखिए, चूको हमसे तो बहुत कुछ बड़ा नहीं व्यक्तित्व तो है, आपको बहुत लोग मानते हैं, आप जो चाहते हैं वो हो जाता है जग सबके लिए, लेकिन अपने लिए मंत्री के लिए क्या आप इस रेस में नहीं रहते क्या? नहीं मैं कभी किसी से ना बोला, ना मैं मिला, ना गया और ना सोचा, क्योंकि मैं अपनी अपनी सीमाओं को मैं पहचानता हूँ। मैं विधायक बन गया भारतीय जनता पार्टी का, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो और विधानसभा उपाध्यक्ष भी बने थे आप। नहीं, वो जोगी जी के समय बना था। मैं तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने कृपा पूर्वक अपनी पार्टी में लिया, मुझे टिकट दी, मैं चुनाव जीत गया और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के रूप में अपनी पूरी सेवाओं का लाभ, अपनी सेवाओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नीति नियमों को पालन करने, मोदी जी की गारंटी को लागू कराने में सहयोग करते नहीं, रहूँगा। एपीजे कलाम जी ने कहा है कि सपना देखना चाहिए, क्या धर्मजीत सिंह मंत्री बनने का सपना नहीं देखते क्या? देखिए, मैं सपने अपने देखता नहीं, मैं हकीकत में काम करता हूँ। और मैं जो चीज़ मेरे लिए संभव नहीं है या जो चीज़ मैं नहीं पा सकता, सपना देख के मैं दुखी नहीं होता। बाकी कोई सपना देख के दुखी हो खुश हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने ना सपना देखा और ना मैं कभी सोचा, ना मैंने कभी बोला और ना मैं कभी इसके बारे में विचार किया। इसलिए मंत्री मैं तो सबसे, जिस दिन ओथ हो रहा था उस दिन तो सबसे बढ़िया ड्रेस पहन के मैं ही गया था शपथ ग्रहण समारोह में। अच्छा, मुझे खुशी थी कि हमारे नए लोगों को मौका मिला, पुराने लोगों को लोगों को मौका भ्रम में मिला। डाल दिए कि अब मंत्री बनेंगे ही जो यूनिफॉर्म आपके सबसे अच्छा ड्रेस नहीं, देंगे। वो तो मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा होने के बाद में गया था, और शायद मैं किसी मंत्रिमंडल में पहली बार मैं कोई मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, उसके पहले मैं अपने राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं गया था। छत्तीसगढ़ गठन होने के बाद तीन चेहरे हैं, चौथा चेहरा है मुख्यमंत्री बन गए, आपकी तीन पार्टी हो गई, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और भाजपा, इन तीनों में सबसे अच्छी पार्टी के रूप में किसे देख रहे हैं आप?
मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ही अच्छी पार्टी दिख रही है। नहीं, वर्तमान में है इसलिए क्योंकि आपने एक लंबा करियर कांग्रेस में खर्च जी मैं किया है। देखा ना, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बहुत है, बिल्कुल वहाँ उल्टे सीधे काम की कोई गुंजाइश नहीं है, और जो भी वहाँ संगठन का बहुत ज़्यादा महत्व है, आप उसमें रह के काम करिए, आपको खुद तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आप अगर अपना निर्णय थोपेंगे ला देंगे तो विरोध होगा, बगावत की बात होगी, संगठन जो बोले वही सही। विष्णुदेव सरकार को अभी किनारे किए करें तो अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल, तीनों में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? दोनों ही अच्छे थे। नहीं, आप क्रम एक दीजिए। पहला अजीत जोगी, दूसरा डॉक्टर रमन सिंह, तीसरे आपके मित्र भूपेश बघेल भी हैं। डॉक्टर रमन सिंह क्यों? सौम्य, शिष्ट, साफ सुथरा आदमी, शांत व्यक्ति, और जो राजा गंभीरता से कोई काम सोचे करे वो अच्छा होता है। अजीत जोगी तो बड़े अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, इम्प्लीमेंटेशन लागू करने में जो वो भी स्टेट, अच्छे थे, वो भी अच्छे थे, उनका तेवर अलग था, उनके काम करने का स्टाइल अलग था, बहुत बेहद दिमाग वाले नेता थे और बहुत ज़्यादा क्विक, तेज गति से चलने वाले नेता थे, इसीलिए कई प्रकार की कई बातें भी हो गई बाद में, लेकिन जोगी जी भी बहुत ही नंबर वन इंटेलिजेंट। आप डॉक्टर रमन सिंह को ही जी देंगे। बिल्कुल दूंगा। भूपेश को क्यों 3 दे रहे हैं? भाई, नहीं बहुत अब दिनों बाद 15 साल बाद सरकार बनी और नरवा गरुवा गोठान की बात आई, किसानों की बात आई, गरीबों की बात आई, उन्होंने बहुत कुछ किया। आपको लगता है कि नहीं किया क्या? मैं तो विधानसभा में भी बोला था, नरवा गरवा घुरुवा फ्लाप योजना है, और यही योजना और इसी का क्रियान्वयन और इसी में करोड़ों रुपए का जो खर्चा हुआ है ना, सरकार के पतन का एक कारण ये भी है। और इस सरकार के बारे में भी मैंने विधानसभा में कहा था कि अहंकार में चलने वाली सरकार है, और अहंकार के वृक्ष में विनाश का ही फल पैदा होता है, और अहंकार में इन लोगों ने अपना सर्वनाश करा लिया है। आपकी सरकार जो वर्तमान में है, आपकी जो पार्टी है, उनको भूपेश बघेल को तो काम ही नहीं करने दिया। ईडी कर दिया, 508 करोड़ का घोटाला कर दिया, शराब घोटाला आप बताते हैं। अब जैसे ही सरकार बनी सब आप लोग भूल चुके हैं। क्या शराब घोटाला हुआ है? कोल घोटाला हुआ है? देखिए आपके यहाँ, मेरे यहाँ तो ईडी नहीं आई ना, ईडी कहाँ जाएगा, जहाँ कुछ गड़बड़ हुआ होगा जहां सरकार बनाना होगा। ना ना, जहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई होगी, उड़ीसा में तो कोई ईडी नहीं भेजे ना, उड़ीसा में तो विरोधी दल के लोग ही वहाँ मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तो कोई विरोधी दल के मुख्यमंत्री के लिए ईडी नहीं नहीं, आप लोग भेजे। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते हैं ना। छत्तीसगढ़ बहुत साउंड इंस्टीट्यूट कांग्रेस का। मुक्त भारत की कल्पना मैं नहीं जानता कौन करता है नहीं करता है, लेकिन कांग्रेस का बुरा हाल हो रहा है पूरे देश तो में। महाऐप कहाँ है? महादेव ऐप घोटाला कहाँ है? यानी जुआ सूद घोटाला और कोल घोटाला कहाँ है? सब कुछ शांति आ चुकी है। नहीं, सब अभी सीबीआई वगैरह जो बैन था उसको खुलवा दिए हैं, और ये महादेव ऐप वगैरह में तो कार्यवाही चल ही रही है ना, अब जो उसमें ऐप पे होगा वो जानेगा, अपन तो यही नहीं जानते महादेव ऐप क्या होता है, पर करोड़ों रुपए का घपला घोटाला हुआ है ये जानते हैं। मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। 22 बिंदु आपने दिए हैं, 3 योजना ही मिला के 40,000 करोड़ की योजना है। ऑलरेडी 95,000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ राज्य पर कर्ज है। साहब, इतना पैसा लाएंगे कहाँ से आप? बिल्कुल आएगा, मोदी जी हैं, उनकी गारंटी है, तो वो 100% उस गारंटी को ला। गारंटी तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दिया है नहीं वो उन्होंने। यहाँ इस चुनाव में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इस चुनाव में उन्होंने पहले कहा है कि 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत दे के 21 क्विंटल धान एक एकड़ में खरीदेंगे, वो शुरू हो गया है। उन्होंने 1000 रुपया महीना हर विवाहित माताओं बहनों को देने की बात कही, वो भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास उन्होंने शुरू हो दो गया। सौ सत्तर रुपया 2 साल का बोनस देने की बात करी, वो पैसा हमने किसानों के खाते में भेज दिया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने के लिए बोले थे, तो पहला आदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने वही किया है। सवाल ये है कि जो भी गारंटी है उसको अगर आप 2 महीने में पूरा करोगे कहेंगे तो ये संभव नहीं है, वो तो 5 साल के लिए है, उसमें से बड़ी बड़ी योजनाओं को तो स्वीकृति प्रदान कितना करवाई। कंट्राडिक्ट है जब वो 2500 धान
प्रति क्विंटल देने की घोषणा किया, तब आपके कहीं सरकार ने मना कर दिया, बोनस अंतर राशि को लेकर बड़ा विवाद हुआ। अब आप 3100 कह रहे हैं, तो ये सिर्फ एक दूसरे को लेग पुलिंग वाला खेल नहीं खेले हैं? क्या है लेग पुलिंग? हम 3100 बोले हैं, हमारी बात को जनता कहाँ से पैसा आएगा? वो उसमें बोनस नहीं दे रहे थे? छोड़िए ना, आप पैसा आएगा ना, दिल्ली की सरकार है हमारे पास, डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से भी आएगा, बैंक भी है, लोन ले सकते हैं, कई प्रकार की बातें हैं, अच्छा वित्तीय प्रबंधन करेंगे। यहाँ तो शराब में घपला, कोयले में घपला, सीमेंट में घपला, लोहे में घपला, चावल में घपला, घपले घपले में सब पैसा तो इधर उधर चला गया ना, उसको सबको रोकेंगे, वो सब पैसा गरीब जनता को देंगे, उसको वापस भी लेंगे? नहीं नहीं वो तो लेंगे नहीं लेंगे वो तो बात की बात है, पर वो सब रोक लगाएंगे, तो ये जो दुरुपयोग हो रहा था पैसों का, वो सब जनता के हित में सदुपयोग किया जाएगा। अंतिम सवाल जो मैं कमोवेश सभी नेताओं से बात करता हूँ, और ये सवाल होता है, युवाओं के नाम पर वरिष्ठों को इग्नोर करना मंत्रिमंडल में कितना तर्कसंगत है? देखिए, आपको नहीं लगता बिलासपुर को एक मंत्री मिलना चाहिए था? नहीं नहीं मुझे क्या लगता है नहीं लगता है उसका कोई खास महत्व नहीं है, ये उच्च स्तरीय बड़े नेताओं का फैसला है, और उन्होंने जो भी निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय लिया है, सोच समझ के लिया है, और अभी तो यहाँ और भी गुंजाइश है, एक सीट खाली है, बाकी और किसी को बाद में एडजस्ट करेंगे, पर ये सब विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, और उसमें ज़्यादा इब बट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको भी बनाएंगे कुल मिला के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री जी सब मिल करके हम मोदी जी की गारंटी को कैसे लागू कर सकते हैं उस पर दिमाग दौड़ा रहे हैं। फिर से एक अंतिम सवाल बन जाता है, आदिवासी को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया तो नहीं गया कि आदिवासियों को साधना है लोकसभा में? देखिए, श्री विष्णुदेव साय जी सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं कि वो आदिवासी हैं, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव है, 1990 में विधायक बने, 3 बार विधायक बने, 4 बार सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, एक विशाल अनुभव उनके पास है, और फिर आदिवासी समाज से हैं, अगर जल जंगल जमीन का अधिकार अगर किसी के पास है तो आदिवासी समाज का है, और अगर उस समाज को मौका दिया गया तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जंगल तो उजड़ गया हसदेव का, आप लोग चुप रहे? हसदेव को उजाड़ने की अनुमति तो कांग्रेस सरकार ने दिया था, मैं 1 घंटे का नहीं, ये तो नहीं है, मैंने 1 घंटे विधानसभा में, आप मेरा भाषण पढ़ लीजिए, मैं अविलंबनी लोक महत्व के विषय पर हसदेव अरण्य के बारे में चर्चा उठाई थी, मैंने पूरे आंकड़े दिए थे, और जो 3 परमिशन भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिए थे उन्हीं के आधार पर ये जंगल की कटाई हो रही है। शपथ लेने के मात्र 3 दिन पहले अच्छी तरह रणनीति है कि हम शपथ लें, सरकार की ब्लेम ले आए और जंगल कट जाए? अनुमति तो पिछली सरकार ने दे दी। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, आदेश की कॉपी ले लीजिएगा मेरे से आप, या आप बताओ कि नहीं मिला है, मैं बताता हूँ मिला है। चलिए, धर्मजीत सिंह जी बड़ा स्पष्टवादी हैं, अजात शत्रु हैं, खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, प्रमाणिक दस्तावेज भी पेश करते हैं, इतना तो सच है कि धर्मजीत सिंह चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, जनता का काम, जनता जो चाहती है चाहे किसी भी विधानसभा का हो, उसे वो एक कदम आगे बढ़कर ही करते हैं। धर्मजीत के पास बड़ी संभावनाएं थी, अब उनका मानना है कि मैं सपने नहीं देखता, जहां पर हूं वहीं ठीक हूं। दीजिए आज्ञा, नमस्कार सर।